हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको फेरोवेल टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फेरोवेल टैबलेट क्या काम में आती, किस कंडीशन में दी जाती है, एमआरपी क्या है, साइड इफेक्ट क्या, क्या कंपोजिशन इसमें मिला हुआ है, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको फेरोवेल टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कंपनी की बात करें तो यह कैडिला फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एमआरपी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यह 1200 रुपए की पर 10 टैबलेट आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर या फिर जहां पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसके आसपास वाले मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। फेरोवेल की एक टैबलेट 120 रुपए की आपको मिलेगी। अगर कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें फेरोपेनेम 200 mg और क्लेविक एसिड 125 mg पर टैबलेट में मिला हुआ है। यह फेरोवेल टैबलेट किस कंडीशन में दी जाती है, क्यों इसे लेते हैं, इतनी महंगी टैबलेट लेने की क्या जरूरत पड़ती है, यह सब जानने के लिए हम आगे देखते हैं कि फ्रेंड्स, यह ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यह टैबलेट दी जाती है। लेकिन आपके सभी के मन में विचार होगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो बहुत से एंटीबायोटिक आती है, फिर यह 1200 रुपए की एंटीबायोटिक देने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अदर ब्रांड देते हैं उनसे अगर सही नहीं होता है, जैसे कि अगर सिफोडोक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन और सिफोरोक्सिन और अदर भी जो ब्रांड है उनसे अगर किसी से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता, सही नहीं होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा फेरोवेल टैबलेट रिकमेंडेड की जाती है। अब बात करें फ्रेंड्स, यह कैसे काम करती है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उन्हें इनहिबिट कर देता है, यानी उनकी ग्रोथ को रोक देता है और प्रिवेंट्स द फर्दर स्प्रेड ऑफ द इंफेक्शन, और जो भी आगे इंफेक्शन को बढ़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें यह मार देता है, यानी बैक्टीरिया को स्प्रेड नहीं होने देता है। इस वजह से यह बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने के जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होते हैं वो ग्रोथ करते हैं तो वो किल हो जाएंगे, उन्हें ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसकी वजह से उसके पेशेंट के जो भी दिक्कत है वो सही हो जाएगी। इसी के साथ में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है उसे भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा फेरोवेल टैबलेट दी जाती है। कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे इस टैबलेट द्वारा सही किया जाता है, यानी इस टैबलेट द्वारा ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यानी अगर किसी के गले में कोई इन्फेक्शन हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के नीचे वाले एरिया में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि निमोनिया वगैरह, श्वसन नली में कोई इन्फेक्शन हो, आर एंड आई इन्फेक्शन, कान और आंखों का कोई इन्फेक्शन हो, नाक का कोई इन्फेक्शन हो, SSTI स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी फेरोवेल टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की जाती है। इसी के साथ में अगर इंजुरी से इन्फेक्शन हो गया, किसी के फ्रैक्चर हो गया हो, तो उसमें इंजुरी होने से इन्फेक्शन हो गया हो, जेनिटल इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो है मेल हो या फीमेल हो, दोनों में अगर जेनिटल इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में भी, और साथ ही यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी कोई इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में फेरोवेल टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। इसके साथ में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी अगर किसी इन्फेक्शन में भी जिन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उनमें भी फेरोवेल टैबलेट लिख सकता है। अब बात करें डोज की, तो फ्रेंड्स, इसकी 2 टैबलेट पर डे, यानी 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की जाती है। आपको वह टैबलेट सेम टाइम पे खाना खाने के बाद में लेनी होती है, यानी अगर सुबह जिस टाइम पे लेते हैं शाम को भी सेम समय पे ले, यानी अगर सुबह 10 बजे लेते हैं तो शाम को 6 बजे लेनी है, 7 बजे लेनी है, और दूसरे दिन भी सेम समय पे यह टैबलेट आपको लेनी चाहिए। अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसके कुछ टेंपरेरी साइड इफेक्ट हैं जो कुछ ही पेशेंट को देखने को मिले हैं, अगर किसी को हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम इस टैबलेट को लेने से कुछ पेशेंट को देखने को मिले हैं। अगर किसी को यह प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। और फ्रेंड्स, अगर फेरोवेल टैबलेट कोई ले रहा है और उसको लीवर किडनी डिजीज हो
तो वह अपने डॉक्टर से बता देना कि उन्हें यह प्रॉब्लम है, जिससे उन्हें ट्रीटमेंट यह टेबलेट लिखनी है या नहीं लिखनी, उससे ने डॉक्टर डिसाइड कर सके। और साथ ही कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, तो वह भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यह टैबलेट ले में, अगर उन्हें डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है तो। साथ ही फ्रेंड्स, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि अगर फेनोवेल टैबलेट से आपके कोई भी इंफेक्शन सही हो गया हो तो यह टैबलेट आप बंद कर दें, इसे रेगुलर नहीं लें, जिससे आपको किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो। आशा करते हैं कि फेरोवेल टैबलेट के बारे में आपके सभी डाउट सभी क्लियर हुए होंगे। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमारा नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। और वीडियो को जिन्हें भी किसी प्रकार का इंफेक्शन सही नहीं हो रहा तो यह वीडियो शेयर करना न भूले। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।